सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि लोग आपको जहाँ देशभक्ति फिल्म बनाने के लिए, हाँ जी, ये भी देशभक्ति एल्बम है, तो ये एल्बम हमने सुना देखा नहीं, मुझे ये एल्बम बहुत अच्छा लगा। मोदी जी आए हैं और उनके सम्मान में ये एक श्रद्धांजलि दी है मधुश्री जी और तमाम सिंगरों ने, और बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर। अनूप जलटा जी ने भी गाया है इसमें, और चंदू भाई जी के यहाँ आया हूँ, उन्होंने इसको रिलीज़ आज किया है, एंड इट इज़ वंडरफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। और मुझे बड़ा इमोशन, मेरे सामने उसका विजुअल अभी भी चल रहा है तो बार बार इसलिए लोग उधर जा रहा है, तो मुझे बड़ा इमोशनल और बड़ा अच्छा लगा है। मेरी शुभकामनाएं हैं, और जैसा इस गीत में लिखा है, मुझे लगता है कि देश भी वैसे ही आगे होगा। हम सबको वैसे ही उम्मीद है मोदी जी से और इस संगीत से। आप हमेशा काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मोदी अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट का लिखा जाए तो मोदी जी पे फिल्म बनाने का? अभी मोदी जी पे फिल्म डेफिनेटली बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, वो तो बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, लेकिन अभी देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो मोदी जी के लिए अभी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो देश की सही फिल्म बनाए, तो उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। जी, आपके सवाल, गदर, हीरो, इतने बड़े-बड़े फिल्में दी आपने, अभी आगे का क्या? आगे का अभी प्लान कर रहे हैं, अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, जैसे स्क्रिप्ट हो जाए, नहीं अभी नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए।